जबरदस्त गर्मा गर्मी हो गई कल तो, कमाल हो गया और ऐसा हो गया कि जो लोगों को हैरत में डाल दिया उसने। बहुत सारे मैसेजेस आए टिकटॉकर्स के, जितने फैंस थे उनके बड़े डरे डरे सहमे सहमे, ऐसा लग रहा था जैसे बच्चों के ऊपर कोई जुल्म हो गया। भैया मुकाबला है और मुकाबले में जब कोई सामने आता है तो मुकाबला करना होता है। Exactly, ये बात अंडरस्टैंड करें आप लोग। क्या हो गया अगर पहला ही मैच हार गए तो क्या हो गया? दे विल कम बैक और वो फाइट करेंगे। क्या हो गया मतलब बच्चों के हौसले आप लोग पस्त कर दें डरा डरा के। ये हमारे यहाँ एक एक है मसला कि सामने कोई जरा ज्यादा बेहतर आ जाए तो उनको लगता है कि नहीं ये बेहतर क्यों आ गए, बुरे बुरे लाओ ताकि यही लोग जीतते रहे। क्यों भाई? हाँ, सो वेल प्लेड गाइस, वेल प्लेड, थैंक यू, क्या बात है। और उम्मीद करते हैं कि आज यहाँ से भी कुछ कम बैक होगा। yes, इंशाल्लाह देखते हैं कुछ हौसले बुलंद हुए या अभी भी वही है। बुलंदी है सर, बुलंदी है, कोई नहीं, बच्चों को मौका दे रहे थे, एक्टिंग भी सर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं अभी तक, खुश रहो पाकिस्तान के सेट के ऊपर के पहली दफा कोई खेलने आया हो और वो बाजी मार गया हो। सो ये बड़ा कमाल था यार, एक तो किस्मत ने बड़ा साथ दिया आप लोगों का बहुत सारी गेम्स में, और उसके अलावा गेम्स आप लोगों ने बड़ी अच्छी खेली। सो तैयारी आज कैसी है सहरान साहब? सर आपको कहा था कल मैं ऑब्जर्व कर रहा था तो आज आइडिया हो जाएगा कौन कितना पानी में, मैंने कल का कह दिया था पहले ही, तो अब आज देख लेंगे। क्या बात है सर जी, सिर्फ ये कहना चाहूंगा नचांगे भी ते गावांगे भी ते तानू एथे रुलावांगे भी ते असी हैं पाकिस्तान स्टार। सर एक सेकंड, हम सब ने मिलके आपको बहुत सताना है। जैन भाई बात सुन लो, ये 15 सेकंड के टिकटॉकर्स का जमाना है। क्या बात है, क्या बात है। और तुम लोगों ने यहाँ से रोते हुए जाना है। एक मिनट, पंगा ना लेना हमसे उस्ताद, हम बड़े हैं, टिकटॉकर्स तुम्हारे जैसे हमारी जेब में पड़े हैं। जैन भाई तभी तुम लोगों को 10 साल लगे हम लोगों के मुकाबले। जैन भाई माना है आपकी आवाज में है बहुत रोप, मगर जितना लंबा आपका कद है ना उतनी छोटी है आपकी सोच। और ये लोग माना के कद है मेरा लंबा, लोग कहते हैं कि लंबे कद वाले की ना जो अकल होती है वो गिड्डों में होती है, तो आप लोग मेरी इससे बात किया करें, मुझसे बात मत करें। अभी पाकिस्तान स्टार है हम लोग, कोई मजाक नहीं है, वी आर पाकिस्तानी स्टार्स। हैवी है सारे बॉयज, हैवी है। सुन के अभी तो हाँ जी टाइम है आपको घर भेजने में, आप आज से ही फेयरवेल मनाना शुरू हो गई हैं। ब्रांड है ब्रांड, हर रोज ब्रांड पहनेंगे। यार ये 12 नंबर के पाने को बाहर रख के आओ यार, आवाज नहीं आई तो कान साफ करवा के आ जाती ना। माइक खोले, सारे माइक खोले, बातें होती रहेंगी। मैं कहता हूँ गेम पे थोड़ा फोकस। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाला था कि अभी गेम ही खेलेंगे। वेल्डिंग पीछे करनी है। क्या कह रहे हैं? वेल्डिंग पीछे करनी है। वेल्डिंग तुझे भी बहुत धूप लग रही है, कैब उतर। ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैंने कहा था ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इसको पकड़ लो अपना रबड़ की पेंगुइन को। कैप उतार के बात कर, कैप उतार के बात कर। मेरा कैप उतरवा रहा है, फिर जब मैं उतारूंगा यार मेरी गाल सुनो। तू नजर ही नहीं आ रहा। बात सुनो, इसको अपना नाम तो बता दो बेचारी को। किसको यार, तुम अपना नाम बता दो, उसके बाद ये अपना मुंह डिलीट करा देगी। करवाने की जरूरत तुम लोग को पड़ेगी। अच्छा मेरी गाल सुनो, सिमट के बेचार करते हैं ना। सुन के आपस में भी सुन के। हाँ ओके ओके। हाँ जी टॉस करूं? नहीं, पहले कैप्टन कौन है भाई आज? छीन लेगा तुम्हारा सुकून, छीन लेगा तुम्हारा चैन, आज का कैप्टन है जैन। ओ सर मैं बता रहा हूँ। हाँ जी आज जो इनको दिखा देगी शीशा,
ना ही है वो अरीशा, ना ही है वो वरीशा, आज की जो कैप्टन है कैप्टन ईशा। क्या बात है, क्या बात है, यहाँ से ईशा यहाँ से जैन, वाह वाह वाह, लग रहा गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। ईशा और जैन बहुत खतरनाक हो गया है गेम। हाँ, हाँ जी, तो आपसे जैन टॉस करेंगे हेड या टेल, माइक में बोलोगे ज्यादा बेहतर होगा। हेड लाइए, पहले गेम आप लोगों की पहली गेम है, 10 साल में इतना तो सीख लेते हैं कि माइक में बोलना होता है शो में। हाँ जी, क्या कह रहा है नबील? मैंने कहा 10 साल लगाए हैं भाई ने, इतना नहीं पता कि शो में माइक में बोलना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, कल भी बताया था, कल भी बताया था बच्चों को, बोलते कम है करते ज्यादा है। 10 साल में आप भी यही हो, हम भी यही है, सब यही है। जो तुमने कल इधर किया ना, अभी तक बू आ रही है। यार एक कन्ने से चुरावा पा के कहता मेनू बकरा कहो। ये देखो एक क्या 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 कहा तुमने, मैं जरा इधर देख रहा था। ये कानों पे जुराब डाल के कहता है मुझे बकरा कहो। अगर आप लोगों को चुटकियों की समझ ना आए तो मुझे आप कह देना, मैं उर्दू में भी और इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके बताऊंगा आपको। अपनी बेगम तो मार पै जाती है की? एदा दे बंदे ना, एक दफा अपनी बीवी तो मार पै रही, बीवी एदी कहंदी जानू अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे? बीवी मैं पागल हो जाऊंगा। बीच में नहीं बोलना, बात खराब हो जाती है। हां हां चलो, कहता बेबी मैं पागल हो जाऊंगा। बेगम अगे कहंदी इसका मतलब दूसरी शादी तो नहीं करोगे? अगे पागल बंदा कुछ भी कर सकता है। क्या बात है, क्या बात, ठंडा ठंडा बहुत ठंडा। ये पान की दुकान पे चला जाता है, हैं सॉरी एक फैसल भाई ने हाँ, ये पान की दुकान पे चला जाता है, कहता है भाई मेनू ना पान तो ला दो। उन्हें कहा केड़ा कथा पाना है? कहता है तरंग ही तरंग है यही तो सबका संग है, तरंग ही तरंग। भाई जान ब्रांड नहीं बोल रहे हैं, ठीक ही बोला है भाई, लंबी अकल जो होती है। कोई नहीं कोई नहीं, तुम लोगों को भी शुरू में समझाया था, इनको भी समझाना पड़ेगा। गेम समझ लें, पहली बारी आप लोगों की है, इनके अंदर अलग अलग वेट्स हैं जो के छुपे हुए हैं नंबर्स के, वो वेट कौन सा है आपने सीक्वल वाइज वेट रखना है। आप सबसे हल्का यहाँ रखेंगे, फिर उससे भारी, उससे भारी, उससे भारी और उससे भारी। आप लोग सबसे हल्का यहाँ रखेंगे, फिर उससे भारी, उससे भारी, उससे भारी और उससे भारी। ठीक है, पहली बारी आप लोगों की है, लड़का भी खेल सकता है, लड़की भी खेल सकती है, कोई वो नहीं है। हफ्सा कुछ वेट्स भारी हैं बीच में, सो देख लें अगर कोई लड़का खेले या कोई लड़की खेले, देख लें। एक मिनट का टाइम है, दे अभी नहीं हाथ लगाना, अभी नहीं हफ्सा, अभी नहीं जी। लड़की खेलेगी या लड़का? कितनी टर्न है फैसल भाई? फैसल भाई जी कितनी टर्न है? एक ही टर्न होती है, एक ही टर्न, हाँ मतलब एक एक होगी। ठीक है शुरू करें, एक ही मिनट है आपके पास, उसमें आपने वेट चेक करना है किस डब्बे में वेट कम है, किस में ज्यादा है, फिर सीक्वेंस वाइज रखना है, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो। ठीक है, हाँ कैप्टन का पॉइंट इसमें है, आप कम से स्टार्ट करेंगी, आप यहां से करेंगी 1 2 3 4 5, आप लोग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5। ओके सो 3 2 1 गो। उसके न अच्छा, एक दफा अगर डब्बा ऊपर आ गया तो फिर चेंज नहीं हो सकता। ठीक है सो वो पहले चेक करना है उठा के कि किसमें वेट कम है किसमें ज्यादा है। सो हफ्सा को लगता है कि ब्लू इज 1 किलो, येलो इज 2 किलो, पिंक इज 3 किलो, अगेन येलो इज 4 किलो एंड रेड इज 5 किलो। सो देखते हैं कि ब्लू कितना है
ब्लू इज फोर, फाइव किलो, थ्री किलो, जैन भाई कुछ बोलेंगे नहीं, करके दिखाएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये चक्कर दिया हुआ है आप लोगों को। हाँ जी, कौन आ रहा है? थोड़े से गैप कर दे ताकि उठा सके। कौन आ रहा है? कैप्टन। चलो भाई, थ्री टू वन, 7 सेकंड रह गए थे। 3-2-1 गो। टाइम ज्यादा लिया, लेकिन देखना यह है कि हुआ क्या है। सो जैन को लगता है ये 1 किलो है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। सो तो सारी गड़बड़ है भाई। एक मिनट, ये तो वाकई हल्का है यार। ये कितना है बाबर भाई? कुछ गड़बड़ है।